तो वही विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग पर सेंचुरी एरिया और वन क्षेत्र में घोड़े खच्चरों की लीद से घास के मैदान और वन संपदा को हो रही क्षति पर चिंता जाहिर की और पूरे यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों के रात्रि विश्राम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण कर उन्होंने बिजली पानी स्ट्रीट लाइट मार्ग से जुड़ी सभी कार्य यात्रा शुरू होने से पहले पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट।